लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता के बीच मंदसौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक लग्जरी कार में स्कैम लगा कर ले जाई जा रही करोड़ों की नकदी और लाखों की ज्वेलरी बरामद की है। पुलिस ने मामले में कार सवार दो युवकों को एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मामले में प्रारंभिक जानकारी देते हुए नई आबादी थाना पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार में 1,03,00,000 रुपए नकदी और 4 किलो चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई। कार में चालक सहित एक महिला और एक युवक सवार थे। ये लोग बकायदा कार में स्कैम लगाकर बड़ी मात्रा में कैश को ले जा रहे थे। एक्चुअली एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि MH-47 पासिंग गाड़ी है, किया गाड़ी, उससे कुछ लोग कैश भारी मात्रा में लेकर जा रहे हैं। तो उसकी सूचना पर घेराबंदी की गई, उनका पीछा करके पकड़ा गया और जिनसे करीब 1,03,00,000 रुपए कैश और 4 किलो चांदी मिली है। और इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है, इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, 1,03,00,000 रुपए कैश है और 4 किलो चांदी है। किस तरह पैसा सर छुपा के रखा हुआ था? एक्चुअली कार के जो फ्रंट सीट है और को ड्राइवर सीट है उसके नीचे ने स्कीम बना रखी थी, मतलब एक शेड जैसा बना रखा था जो नॉर्मल पता नहीं चलता है कि उस पर तस्दीक की गई उसको और उसके नीचे उसे तलाशी ली गई तो एक स्कीम जैसी बनी मिली जिसे खोजा गया। उसके अंदर भारी मात्रा में कैश मिला और कैश विधिवत पैक था, मतलब पैक किया छुपा के पूर्णतः ले जाया जा रहा था। एक्चुअली एक तो ड्राइवर था, इनके साथ एक पुरुष सदस्य और था, एक महिला सदस्य भी थी जो कि उसकी पत्नी है, ड्राइवर की पत्नी थी जो महिला सदस्य। और जो एक्चुअली अभी जब तक कार्रवाई की गई है अभी पूछताछ जारी रहेगी तो जैसे भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। कहाँ ले जा रहे थे सर पैसा? संभवतः ये मध्य प्रदेश में कहीं जा रहा था। सर प्रारंभिक तौर पे आपको नहीं लगता कि हवाले का पैसा? कुछ भी हो सकता है, एक्चुअली जांच जारी है और जैसा भी सूचना। जी TI वरुण तिवारी, नई आवाज। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।